सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन अनिल आर्मी राइडर। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आप सभी का। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। आप इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें और बताते रहें मुझे अपने वीडियोज़ के अंदर क्या सुधार लेके आना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को मेरी स्टोरीज अच्छी लग रही होंगी। तो आज मैं एक और आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशनल स्टोरी लेके आया हूँ, एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूँ जो हमें मतलब कि बहुत ही अच्छी चीज़ अच्छी सीख सिखाती है अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आप केवल मुझे चंद मिनट दे दीजिए, मैं इन सभी जो मैं इस कहानी को पढ़ने के लिए, ताकि इस जो कहानी से गया हम सभी को के कुछ सीख सके, हम अपने जीवन में एक मतलब कि हम याद बना सकें। तो दोस्तों कहानियाँ केवल लघु नहीं है, बल्कि ये आप हमारे जीवन में या आपके जीवन के एक जो है परम निशान बना सकती हैं। ये आप में वो उम्मीद, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इन सभी प्रेरणादायक हिंदी जो कहानियाँ हैं जो मैं आपको आपके सामने आज मैं जो लेके आया हूँ ये जो कहानी, तो इनमें कुछ ना कुछ आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो बिना समय गंवाए हम चलते हैं आगे अपनी स्टोरीज़ के ऊपर। तो अपनी पहली स्टोरी हम देखते हैं। आज की जो स्टोरी है वो है समय का महत्व। समय का महत्व हमारी लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है, हम समय हमारी ज़िंदगी में क्यों इम्पोर्टेंट है ना। तो दोस्तों आज आपके साथ जो मेरी कहानी है वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो वो कहानी पढ़ने के बाद जो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे भी कुछ एक्शन लेना चाहिए, यानी कि मेरे टाइम की भी वैल्यू है और मुझे भी मेरे टाइम को बचाना है और मुझे कुछ बड़ा करके दिखाना है। ये कहानी आपको ज़िंदगी भर याद रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम जो कहानी है कभी इस कहानी को भूल नहीं सकते है ना, और कहानियों को हम कभी भूलते नहीं और हमें अपनी ज़िंदगी भर याद रहती हैं कहानियाँ। दोस्तों कोई लेसन पढ़ते हैं और उससे कुछ सीखते हैं तो हमें कुछ दिनों में हम उसको भूल जाते हैं, लेकिन कहानी हमें ज़िंदगी भर याद रहती है। हम किसी न किसी की लाइफ में कोई ना कोई कहानी होती है, लेकिन वो कहानी हमको लाइफ टाइम याद रहती है। हमारे बचपन से लेकर हमारे अभी तक के दिन प्रॉपरली हमको हर एक चीज़ हमें याद रहती है। तो दोस्तों ये सभी प्रेरणादायक जो कहानियाँ हैं वो मैं आपको आज जो बताने जा रहा हूँ। तो उसके पहली कहानी जो है वो दोस्तों, इस कहानी का जो उद्देश्य है, इस कहानी जो है वो एक किंगडम राज्य की है, जहाँ पर जो एक हर साल जहाँ है पाँच साल जहाँ पर क्या है, हर साल पाँच साल में से एक राजा को जहाँ चेंज किया जाता, हर साल में मतलब हर पाँच साल के बाद एक राजा चेंज किया जाता था। दोस्तों जब भी किसी राजा के पाँच साल पूरे होने वाले होते थे तो उसको क्या है भेज दिया जाता था एक ऐसे जंगल के अंदर जहाँ उसको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होता था और जहाँ बहुत सारे जंगली जानवर होते थे और उसको वो खा लेते थे। तो दोस्तों इसके बाद एक राजा ने पाँच साल कंप्लीट होते ही तब उसको नए कपड़े पहनाए जाते हैं और उस राजा को हाथी पे बिठाया जाता है और उसके बाद उसको गुड बाय कहने के लिए उसको एक बोट पे बिठा दिया और उसको भेज दिया गया एक ऐसे घने जंगल पे जहां उसको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होता है और वे अपना गुजारा नहीं कर सकता है। जैसे ही उस राजा को भेज दिया जाता है वो राज्य के लोग सोचने लगते हैं कि अब हमारे राज्य का नया राजा कौन बनेगा। तब उनको पता चलता है कि हमारे राज्य में एक ऐसा बंदा है जो होशियार इंसान है और उसको हमारे राज्य का राजा बना देना चाहिए। जैसे ही राज्य के सभी लोग उसके पास चले जाते हैं और उस बंदे को रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या आप हमारे राज्य के राजा बनोगे, तब वो बंदा मना कर देता है क्योंकि उसको सारी बातें बताई जाती हैं और जब भी हमारे राज्य में किसी राजा के पाँच साल पूरे हो जाते हैं तो उस राजा को क्या है बाहर भेज दिया जाता है और उसको क्या है जंगल में छोड़ दिया जाता है जहाँ उसको जानवर खा लेते हैं और वहाँ पर क्या है उसका जीवन, वहाँ का जो जीवन है वो उसी तरह से उसको जीना पड़ता है जैसे भी वो उस, क्योंकि छोड़ने के बाद जंगल में छोड़ने के बाद आप सोच सकते हो हम लोगों को भी अगर कहीं छोड़ दिया जाए तो हमारे ऊपर कैसी कंडीशन आएगी, कैसे हम उस सिचुएशन को क्या है हैंडल कर पाएंगे। तब उस जगह के लोगों ने उनको बोला कि प्लीज़ हमारे राज्य के राजा बनिए क्योंकि आप बहुत ही होशियार और चालाक भी हो और आप अच्छे तरीके से हमारे राज्य को चला लोगे। दोस्तों सभी की रिक्वेस्ट के बाद उस इंसान ने बोला कि हाँ मैं आपके राज्य का राजा बनने के लिए तैयार हूँ और मैं इस बात के लिए भी सहमत हूँ कि पाँच साल बाद मुझे ऐसी जगह भेज दिया जाएगा जहाँ पर कोई जीवन नहीं है। जैसे कि वो इंसान उस राज्य का राजा बन जाता है तब उसके तीन दिन बाद वो राजा अपने लोगों से पूछता है कि कौन सी वो जगह है जहाँ पर राजा को पाँच साल पूरे होने के बाद भेज दिया जाता है। वो नया राजा अपने लोगों के साथ उस जंगल के अंदर विजिट करके देखता है वो कौन सी जगह है जहाँ पर सभी राजाओं को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है।
उसके साथ ही वो ये भी देखता है कि उस घने जंगल के पिछले बहुत राजाओं की लाशें भी पड़ी हुई थी। जो जंगल इतना घना है कि वहाँ बहुत अलग अलग तरह के जानवर रहते हैं, बहुत ही खूंखार जानवर हैं वहाँ पर, हर एक तरह के वहाँ पर जानवर रहते हैं। तो उसके बाद राजा का दिमाग वहाँ पर नए राजा अपने दिमाग से सोचता है। जब वो सब देखने के बाद वो राजा एक गज़ब का प्लानिंग करता है। वो राजा 5 साल में बहुत ही गज़ब का प्लानिंग करता है। दोस्तों, आपको यही से कुछ सीखना है। जब राजा देखता है कि ये बहुत ही घना जंगल है और बहुत ही जंगली जानवर है, तो 5 साल पूरे हो जाने के बाद इस जंगल में वो कतई नहीं आना है और इसके लिए उसे कुछ भी करना होगा। इसके बाद राजा अपना दिमाग चलाता है। राजा अपने पहले साल में उस जंगल के सारे पेड़ और पौधों को कटवाता है और राजा ने वो सारी चीज़ें हटवा दी जिससे वो जंगल घना लग रहा था। वहाँ के सारे जानवरों को भी वहाँ से हटवा दिया। दोस्तों, राजा ने दूसरे साल भी उस पर काम किया और उस जगह को ऐसा बनवा दिया जिससे वो जंगल ना लगे। दोस्तों, तीसरे साल में वहाँ पे एग्रीकल्चर का काम चलाया गया। चौथे साल में वहाँ पर काफ़ी सारे बिल्डिंग्स, कॉम्प्लेक्स और रोड बनने भी शुरू हुए। उसी के साथ ही वहाँ पे लोगों ने काफ़ी सारे घर बनाने शुरू कर दिए थे। 5वें साल में तो वहाँ पर लोगों का रहने का इंतज़ाम कर दिया। इन 5 सालों में ये सारी चीज़ों के साथ राजा अपनी सेविंग भी कर रहा था। दोस्तों, राजा बहुत कम खर्चे करता था और सेविंग्स बहुत ज़्यादा करता था ताकि वो पैसे खर्च कर पाए अपनी उस जगह पर जिसे वो 5 साल से तैयार कर रहा है। दोस्तों, उसके बाद जैसे ही उस राजा के 5 साल पूरे होने वाले थे तो वो अपने राज्य के लोगों को बोलता है कि मेरे 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं, मुझे मेरे उस जगह भेज दीजिए जहाँ मुझे आप 5 साल बाद भेजने वाले थे। तब उस राज्य के लोग बोलते हैं कि अभी आपके 5 साल पूरे नहीं हुए हैं और अभी आपके 5 साल पूरे होने में 10 दिन बाकी हैं। राजा को बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी क्योंकि राजा को अपनी उस जगह भेज देने वाले थे जहाँ पर उसने अपने खाने पीने और रहने की तैयारी पिछले 5 साल से करवा रखी थी। दोस्तों, जैसे ही राजा के 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो उस राजा को भी नए कपड़े पहनाए गए और उस राजा को गुड बाय करने के लिए एक हाथी पर बिठा दिया गया। लेकिन उस राज्य के लोगों ने देखा कि राजा हंस रहा है। पिछले हर साल ऐसा होता था, जब भी किसी राजा को 5 साल कंप्लीट हो जाते थे तो वो राजा रोते रोते जाते थे, लेकिन ये राजा तो हंसते हुए जा रहा है। जब लोगों ने उससे पूछा कि आप इतना हंस क्यों रहे हो, यानी कि आप इतने खुश क्यों हो, तब राजा सबको बोलता है कि जब आप दुनिया में आते हो, यानी आप जब जन्म लेते हो तो पूरी दुनिया हंसती है, और जब आप रोते हो तो लेकिन ऐसा कुछ करके जाओ कि पूरी दुनिया रोए और आप हंसते हुए जाओ। दोस्तों, ये लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी। ठीक उसी तरह राजा ने भी ऐसा ही करा। उसने अपनी ज़िंदगी ऐसे बना ली कि वो हंसता हुआ उस जगह पर जा रहा था। उसके बाद वो राजा बोलता है कि इससे पहले जितने भी राजा आए थे वो 5 साल में राज करने में, मज़े करने और ऐसो आराम की लाइफ जीने में इतने खो जाते थे कि वो भूल जाते थे कि उनको 5 साल बाद एक ऐसी जगह भेज दिया जाएगा जहाँ उनको मरना पड़ेगा। लेकिन मैंने इन 5 साल में उस जगह को ठीक कर लिया और मुझे पता है कि 5 साल बाद मुझे कहाँ भेज दिया जाएगा, तो मैंने उस जगह पर काम किया। मैंने मेरे पास यही टाइम था काम करने के लिए और मैंने खोया नहीं। मैं राजा तो ज़रूर था, लेकिन मैं नहीं भूला कि मेरा आने वाला टाइम कैसा होगा। मैंने भविष्य की प्लानिंग की और उस पर काम करना शुरू किया। दोस्तों, जब वो राजा जाता है तब वो खुश होते हुए जाता है और अपनी सारी सेविंग्स को भी अपने साथ ले जाता है जो उसने पिछले 5 साल में कर ली। दोस्तों, राजा बन जाने के बाद उसने खर्च भी नहीं किया और अपना फ्यूचर संभाला और उसके ऊपर काम किया। तो इससे हमें ये कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है दोस्तों कि हमें अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ अच्छी बनाने के लिए कुछ ही टाइम मिलता है। अगर मेरी एज के हो और आपकी एज अगर 16 से 25 वर्ष के बीच में है तो ये आपके लिए गोल्डन एज है। दोस्तों, एज में आपको जितना जोश मिलता है, जितनी भी आपके अंदर एक्साइटमेंट भरी हुई रहती है, उतनी ही आपकी एज में नहीं होती है। दोस्तों, इस एज में आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपका फ्यूचर अच्छा हो जाए, क्योंकि आप इस एज में सिर्फ मज़े करते हो, इन्जॉय करते हो, तो हो सकता है
कि बाकी राजाओं की तरह आपको भी ऐसे जंगल में जाना पड़े, यानी कि ऐसी गरीबी में जीना पड़े जहां आपको जानवर खा जाएंगे, यानी कि आपकी गरीबी ही आपको खा जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप उस चतुर राजा की तरह बनते हो जो लास्ट में आया था, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी की प्लानिंग करते हुए, उस पर काम करते हुए अपने आने वाले समय में अपनी पूरी ज़िंदगी को अच्छी तरह से निकाल सकते हो, तो बिल्कुल उस राजा की तरह जिसने अपने अपने लिए उस जंगल को पूरी तरह कटवा कर उस जंगल के बजाय एक किंगडम बना दिया, एक पूरा अलग से राज्य बनवा दिया। दोस्तों, क्या आप अपने ज़िंदगी का राज्य बना रहे हो, या फिर आप अपनी ज़िंदगी के राज्य को सिर्फ जंगल ही जंगल बना रहे हो? तो ये कहानी आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, तो सच्चे दिल के साथ, सच्चे दोस्त के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, ये कहानी आपको ज़िंदगी भर याद रहने वाली है। 10 साल बाद भी अगर आपको कोई व्यक्ति ये कहानी सुनाएगा तो आप कहोगे, यार ये मैंने कहानी सुनी हुई है। क्योंकि कहानी हमें ज़िंदगी भर याद रहती है, लेकिन बातें हम भूल जाते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू दोस्तों, आप लोग बताते रहें मेरी स्टोरीज़ आप लोगों को कैसी लग रही हैं। तो सपोर्ट माई चैनल अनिल आर्मी राइडर। थैंक यू सो मच दोस्तों।